हर समूह से दो चार महिलाएं तो बन ही गई हैं। दो तीन महिलाएं बन गई जी सर। अच्छा आपके समूह को मैं एक काम बताता हूँ, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास करेंगे पूरी तरह। देखिए हमारे देश में जी सर आजकल शादी ब्याह होते हैं जी सर, तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया अब जी सर, तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं जी सर, और फिर आधा छोड़ देते हैं तो खाना बर्बाद हो जाता जी है सर। किसी के घर में जन्मदिन है तो भी खाना बर्बाद हो जाता है। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें उनको परोसना कैसे उसकी ट्रेनिंग हो जाए जी सर, उनके अच्छे कपड़े हो जाए, फिर वो हाथ में मोजे वोजे पहन करके दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाए ऐसे लोगों में जी सर, तो खाना तो बचेगा ही बचेगा जी सर, जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी जी सर, आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी जी सर, और जब भोजन समारोह में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं नहीं भाई आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए जी सर, तो घर में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा जी सर। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं फेंक देते हैं, अगर परोसने की व्यवस्था नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है। तो ऐसा काम कर सकते हैं आपकी बहने? कर सकती हैं सर। तो सबको ट्रेन करोगी आप? जी सर बिल्कुल। और मैं भी योगी जी को बताता हूँ कि ऐसे लोग जो अपना समारोह करें जी सर, तो आप जैसे लोगों को बुलाएं और वो परोसना का काम संभाले जी सर। अच्छा आपके गाँव में स्वच्छता का अभियान का कुछ सोचते हैं लोग? जी सर करते हैं सर, जगह जगह लगाए गए हैं, कूड़ा उसमें फेंकते हैं सर, फिर वहाँ से गाड़ी आती है, ग्राम पंचायत के जगह बनी है एक तो वहाँ पे ले जाते हैं सर। नहीं लेकिन उसमें तो कोई खाद बनाना खेत में उपयोग करना ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ऐसा नहीं, शुरुआत हुई है सर अभी। अच्छा। थोड़ा समय लगेगा सर, किसी चीज की शुरुआत होती है सर तो उसको बनने में थोड़ा समय लगता है, फिर अभी तो शुरुआत हुई है सर, धीरे धीरे हो जाएगा व्यवस्था। अच्छा यहाँ पशुपालन करते हैं आपके यहाँ? जी सर। तो मालूम है ये अमूल वाला डेयरी वाला दूध लेता है अभी, वो पैसे ज्यादा देता है पता है? वो पता नहीं है। चलिए चंदा जी आपने बहुत अच्छा बता दिया, बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद चंदा देवी जी। अब आयुष्मान भारत के लाभार्थी श्री छन्नू लाल जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम छन्नू लाल है, मेरे पिताजी का नाम प्रेमनाथ है, ग्राम बिहाना पोस्ट हटरा जिला वाराणसी थाना मिर्जमला ब्लॉक शिवापुरी का मूल निवासी हूँ। सन 2005 में मैं पेड़ पर से गिर गया था जिसके कारण मेरे बाएं पैर के कुल्ले की हड्डी टूट गई थी, उसके लिए मैं बहुत परेशान था, बहुत काफ़ी दिन से दुखी था, परेशान था, मेरे पास पैसा नहीं था। प्राइवेट हॉस्पिटलों में उसकी कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए मांग रहे थे, उतना मेरे पास बजट नहीं था। फिर गांव में मेरी आशा दीदी से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरा आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवा दिया, उसी कार्ड के माध्यम से आज मेरे बनारस में बहुत बड़ा अस्पताल में इलाज हो सका मुफ्त में, और मैं प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मैं पूरे देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि जिनका आयुष्मान कार्ड न बना हो वो भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवा ले तथा उसका लाभ उठाए। तो आपका ऑपरेशन कब हुआ? सितंबर में सर। अभी हुआ? हाँ। तो इतने सालों तक आप परेशान रहे? हाँ सर, सन 2005 में मेरी बचपना थी ना सर, बाली उम्र। तो फिर चलना फिरना हो सकता था? हाँ चलना फिरना, चलते फिरते थे लेकिन बैठ नहीं पाते थे, पालथी मार के मुकरू मार के ऐसे चलता था। अभी ठीक हो गया? अभी नहीं, अभी तो पूरा दवा चल रहा है ना, अभी तो 3 ही महीना हुआ, 3 महीना 10 रोज। हाँ, और आपको विश्वास है कि ठीक हो जाएगा? हाँ, तो अभी तो मेडिसिन चल रहा है ना सर। तो डॉक्टर ने जो बताया एक्सरसाइज करने के लिए? अभी एक्सरसाइज के लिए नहीं बोले हैं डॉक्टर, नहीं बोले हैं, बोले कि अभी 2 महीने तक दवाई खाओ, अभी सर्दी में पेन होगा, दर्द होगा। हाँ। 2 महीने तक दवाई खाओ, इसके बाद एक्सरसाइज बताएंगे। तो आपको कोई खर्चा हुआ क्या? नहीं नहीं, निःशुल्क सर। और अभी दवाई कहाँ से लेते हो? दवाई तो लेते हैं हॉस्पिटल से। नहीं, जन औषधि केंद्र से दवाई बहुत सस्ते में मिलती है पता है?
नहीं वहाँ से मैं नहीं लेता हूँ। हाँ तो जन औषधि केंद्र में 100 रुपये की दवाई 20 रुपये में मिल जाती है, सबको बताना चाहिए। तो गरीब का परिवार का अगर 100 रुपये की दवा लानी है तो 80 रुपया बच जाता है। ठीक है सर, तो ये सबको समझाइए। आपके गांव में आपने और लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए क्या? हाँ सर बनवा हूँ, 10-15 लोगों को बनवा हूँ, और लोगों को बनवाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपना बनवा ले ताकि उसका लाभ जरूरत पड़े पे उठा ले। और किसी को अभी मदद पहुंची हो ऐसा कोई और साथी जिसको जानते हो आप? नहीं नहीं अभी तो उसका लाभ उठाने वाला भी कोई नहीं है। अच्छा। प्रेजेंट टाइम में तो अभी अभी आयुष्मान कार्ड आपने ट्रीटमेंट करवाया? हाँ सर। तो डॉक्टरों का ऐसा तो नहीं था ना ये मोदी जी का आदमी है चलो जाओ होता है जल्दी जल्दी वैसे ही करके फेंक दो, ऐसा नहीं, तो नहीं किया ना? नहीं नहीं सर, उन्होंने मुझे 2 सितंबर को एडमिट किया, 4 तारीख को मेरा अप्रूवल आया, फिर उसके बाद रात में 4 तारीख को ही कैंसिल हो गया अप्रूवल मेरा। उन्होंने रोक लिया, उन्होंने रोक लिया, बोले कि मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा अप्रूवल आएगा तब मैं ऑपरेशन करूँगा, क्योंकि ये सरकारी काम है, जब तक अप्रूवल आएगा नहीं तब तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर 6 तारीख को अप्रूवल आया तो उन्होंने मेरा 8 तारीख को ऑपरेशन किया। और आपके परिवार को विश्वास हो गया कि मुफ्त में होगा लेकिन फिर भी अच्छा होगा, टांग काट नहीं लेंगे, ऐसा तो हुआ ना? हाँ सर विश्वास हो गया है। हाँ। तो आपको संतोष है? हाँ हाँ मुझे संतोष है, तभी ना मैं इतना दूर चल के आया हूँ। तो आगे क्या करोगे छन्नूलाल? आगे तो अभी अब ठीक हो जाएंगे, अभी तो 8 महीने से घर पर ही है ना सर, अभी तो दवा ही खा रहे हैं, जब ठीक होंगे तो फिर सोचेंगे ना। सोचना तो शुरू करो। अरे पहले ठीक तो हो जाए। अरे चोट तो पैर को आई है, दिमाग को थोड़ी आई है। अरे सर मैं अपने घर पे आप जहाँ पे बैठे हैं उतना दूर भी चल नहीं पाता। हाँ। दिन भर सोया रहता हूँ। हाँ। चेयर पे बैठा रहता हूँ। हाँ। ये तो आपके सभा में आने का मुझे चांस मिला, मौका मिला, तब मैं इतना कोशिश करके आ सका। और मैं अपने घर पे अभी दवा खाते ऑपरेशन के बाद अभी चल पा रहे हो? हाँ तो अभी इतना भी नहीं चलता जितना आप से मेरी दूरी है, इतना भी नहीं चलता। चलिए छन्नूलाल आपके आपको आयुष्मान कार्ड बहुत काम में आया, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप एक काम जरूर कीजिए, जितनों को भी जानते हैं उनको बताइए कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना। हाँ। तो आयुष्मान कार्ड बनवा दीजिए। और कभी भी परिवार में किसी को भी मुसीबत आ जाए। हाँ। हम तो कहेंगे कि ना आए लेकिन कभी आ जाए। हाँ। तो 5 लाख रुपये तक खर्चा जो है मोदी कर देगा। चलिए ठीक है, तो बताओगे सबको? हाँ सर।